गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका रीता की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और बताइए कैसा लगा है आपको ये रेसिपी हमारा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम लिया। यहाँ पर हमने लिया 250 ग्राम का पनीर लिया हुआ है, जिसे हमने कट कर लिया है इस तरीके से। और हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ा आलू, इसे भी इस साइज़ में काट लिया। अगर आप जिस साइज़ में काटना चाहें काट सकते हैं। हमने यहाँ लिया एक बड़ा प्याज, जिसको हमने काट के ऐसे ऐसे अलग कर लिया है। और यहाँ पे हमने आधा कैप्सिकम लिया हुआ है। और हमने मसाले के लिए लिया है यहाँ पर अदरक, प्याज, टमाटर और कुछ थोड़ा सा लहसुन लिया है। और हमने यहाँ पर लिया हुआ है 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप लिया है। मेरे पास टमाटो केचप अवेलेबल था तो हमने केचप डाल दिया। अगर आपके पास सॉस है तो सॉस भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम ये मसाले का पीस लेते हैं। हमने सारे मसाले को एक साथ पीस लिया है। तो चलिए अब खाना बनाने चलते हैं। रेसिपी अब हमने यहाँ कढ़ाई ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। हम इस खाने को सरसों के तेल से बना रहे हैं। आप चाहे इसे सादे तेल से भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम कटे हुए पनीर डाल देंगे हल्का फ्राई करने के लिए। अभी से हम हल्का फ्राई होने देते हैं। पनीर अब हो चुका है, आलू तल चुके हैं। अभी से हम एक बॉल पे निकाल ले रहे हैं। अब हम उसी तेल में हल्का सा नमक डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल रहे हैं हल्का तलारने के लिए। शिमला मिर्च कटे हुए, प्याज और शिमला मिर्च भी हो चुका है, मतलब इसमें कच्चापन जो रहता है वो थोड़ा चला जाए, इसके लिए हमने थोड़ा इसको फ्राई कर लिए हैं। अब उसी तेल में अब हम उसमें आलू भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे हल्का। इसे थोड़ा फ्राई होने देते हैं हल्का। आलू हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे थोड़ा अच्छे से फ्राई करने पर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तब हम इसे भी निकाल लेंगे इसी तरह। अब हम इस तेल में 3 पत्ते तेज पत्ते और 1/2 टीस्पून जीरा डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज डाल दे रहे हैं। ये प्याज हम अलग से डाल रहे हैं इसमें से। इसे तब तक थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं हल्का। हमारा ये प्याज हो चुका है। अब हम इसमें मसाला डाल दे रहे हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से डालिएगा चिली पाउडर कि आपको कम ज़्यादा पसंद हो। तो पानी के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया जिससे हमारा मसाला जल ना जाए। इसे तब तक थोड़ा होने देते हैं, तब ढक कर पका लेते हैं इसको। मसाला अब हमारा देखिए पक चुका है। हमने 3 मिनट तक से अच्छे से पकाया हुआ है। देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, कलर भी आ गया है। देखिए तेल भी छोड़ दिया है इसमें। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे जो हमने रखा हुआ था। अब हम इसमें सारी सब्जियाँ डाल दे रहे हैं, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, आलू सब डाल दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसमें चिली सॉस और टमाटर सॉस डालेंगे। अच्छे से हम इसे मिला ले रहे हैं। अब हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे, टमाटर केचप डाल दे रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला के इसे पतला कर लिया, इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सूखा रखना तो आप उसी हिसाब से पानी डालिए और रसदार रखना तो आप उसी तरह से पानी डालिए अपने हिसाब से। हमने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पका लेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है, तब हम इसमें गरम 1 चम्मच गरम मसाला डाल दे रहे हैं। 1 छोटा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हमारा ये सब्जी पक चुका है, तब हम इसे एक बोल में सर्व करते हैं। उतारने से पहले हमने थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है। अब हम इसे एक बोल में सर्व कर रहे हैं। देखिए हमारी सब्जी एकदम से पक के रेडी हो चुकी है। देखने कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा
धनिया पत्ता और इसमें से और ऐड कर दे रहे ऊपर से। तो देखिए हमने पूरा धनिया पत्ता भी इसमें डाल दिया ऊपर से, कलर भी कितना अच्छा आया है। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले और नई रेसिपी के साथ, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।